हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास थर्ड। यह आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे, इसका चैप्टर नंबर 14 जिसका नेम है एयर, हम स्टार्ट कर चुके हैं और इसके 5 वीडियोस भी आप देख चुके होंगे। और आज आप देख रहे हैं इसका वीडियो नंबर 6, जिसमें मैं आपको करवाऊँगी इसकी एक्सरसाइज ए बी एंड सी, जिसका नेम गलती से बी आया है तो आप यहाँ पर सी कर दीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ए। टिक राइट एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि मैं जो सेंटेंस रीड करूँगी उसका जो राइट ऑप्शन हो, जो करेक्ट ऑप्शन हो, उसका आपको टिक करना है एंड फिल करना है। फर्स्ट, ब्लैंक गैस फॉर्म्स मोस्ट ऑफ द एयर, यानी कौन सी गैस जो है वो एयर में सबसे ज़्यादा है। ऑक्सीजन ए है, ऑक्सीजन बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या सी सॉरी बी कार्बन। तो सिंपल सा आंसर है, जो आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में ही पता चल गया था हमें, आपको दिखा भी देती हूँ मैं एक बार। ये देखिए, नाइट्रोजन गैस फॉर्म्स मोस्ट ऑफ द एयर, ये देखिए सेंटेंस है ना पूरा, तो इसका आंसर है नाइट्रोजन, यानी बी। तो बी के सामने आपको टिक करना है एंड इस नाइट्रोजन को आपको यहाँ पे फिल करना है। नंबर टू, ब्लैंक यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड, यानी फूड बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कौन करता है, तो वो है प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। नंबर थ्री, पॉल्यूशन इनसाइड होम्स इज कॉल्ड, यानी घर के अंदर जो पॉल्यूशन होता है उसे क्या बोलते हैं, तो इंडोर पॉल्यूशन। ये देखिए, इंडोर एयर पॉल्यूशन, यहाँ पे लिख दीजिएगा इंडोर। नंबर फोर, स्मोकिंग सिगरेट्स एंड ब्लैंक कैन बी वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ, यानी सिगरेट एंड ऐसी कौन सी चीज़ है जिनको स्मोक करने से हमारे हेल्थ के लिए डेंजर होगा, तो सिगरेट एंड टोबैको यानी तंबाकू, तो ए इसका आंसर है, टोबैको आपको यहाँ पे भी लिखना है। ओके, नंबर फाइव, वी शुड प्लांट ट्रीज एज दे हेल्प टू कीप द एयर ब्लैंक, यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ट्रीज लगाने चाहिए, जिससे कि जो हमारी एयर है वो क्या रहे, क्लीन। ओके, तो इसका आंसर है ए क्लीन। फर्स्ट का आंसर नाइट्रोजन यानी बी, सेकंड का आंसर प्लांट्स, थर्ड का आंसर इंडोर, फोर्थ का आंसर टोबैको एंड फिफ्थ का आंसर क्लीन। और ये सारे आंसर्स आपको सबकी ब्लैंक में फिल भी करने हैं विथ योर पेंसिल। ओके, भूलिएगा मत। एक्सरसाइज बी देखिए, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स, यानी करेक्ट वर्ड को यूज़ करके आपको ब्लैंक में फिल करना है। टोटल वर्ड्स हैं यहाँ पे आपको दिए हैं 7 और आपके पास ब्लैंक भी है 7, तो देखिए किसमें कौन सा आता है। फर्स्ट है पॉइजनस यानी जहरीला, स्पेस यानी जगह, स्मोक यानी धुआं, विंड यानी हवा, वेट यानी वजन, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन जानते ही आप, आउटडोर यानी घर के बाहर। फर्स्ट है मूविंग एयर इज कॉल्ड, यानी चलती हवा को क्या बोलते हैं, विंड, तो फर्स्ट में आएगा विंड, ये फर्स्ट में विंड, डब्ल्यू आई एन डी, ये किसमें आएगा, विंड फर्स्ट में। ओके, फिर है ऑल लिविंग थिंग्स, मैं सेकंड रीड कर रही हूँ, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ऑल लिविंग थिंग्स कौन सी गैस को ब्रीथ करते हैं, तो वो आंसर है ऑक्सीजन। ओके, नंबर थ्री, एयर ऑक्यूपाइज ब्लैंक एंड हेल्प ब्लैंक, यानी हवा में क्या क्या होता है, तो वो है स्मोक एंड वेट ऑक्यूपाइज। एयर में क्या क्या होता है बेटा, स्मोक भी होता है एंड स्पेस भी होता है, यानी तो ये आएगा थर्ड में स्मोक एंड ये भी थर्ड में स्पेस। ओके, एयर ऑल्सो कंटेन्स ब्लैंक एंड ब्लैंक गैसेस, यानी एयर जो है, सॉरी फर्स्ट में आपको मैंने बता दिया मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ये देखिए फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं एक बार। फिर सेकंड में ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ किससे करती है, तो ऑक्सीजन। नंबर टू, एयर ऑक्यूपाइज ब्लैंक एंड हैज, एयर किसको ऑक्यूपाइज करती है, स्पेस को,
नंबर थ्री का फर्स्ट ये, और फिर एंड हैज़ वेट, और हवा का अपना खुद का वज़न भी होता है, तो ये भी थर्ड में। इन थर्ड के टू ब्लैंक्स हैं ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, तो फर्स्ट वाले में भरना है स्पेस एंड सेकंड में ऑक्सीजन सॉरी वेट। फिर है नंबर फोर, एयर ऑल्सो कंटेन्स ब्लैंक एंड ब्लैंक गैसेस, यानी एयर में एक तो स्मोक होता है यानी धुआं बहुत होता है, तो ये फोर्थ में, एंड पॉइजनस गैसेस, पॉइजनस यानी जहरीली गैसें, तो ये भी फोर्थ में, यानी जहरीली गैसें और धुआं दोनों होता है। नंबर फाइव, कोल इन पावर स्टेशन एंड इंडस्ट्रीज इज़ द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ ब्लैंक पॉल्यूशन, बाहर का जो पॉल्यूशन होता है घर के बाहर, उसके मेन सोर्स फैक्ट्रीज, पावर स्टेशन, इंडस्ट्रीज, यही तो है, तो वो है आउटडोर पॉल्यूशन। ये है नंबर फाइव। ओके, फर्स्ट में फिल किया आपने, फिर से आपको मैं एक बार रिमाइंड करा रही हूँ, फर्स्ट में आपने किया विंड, सेकेंड में आपने किया ऑक्सीजन, थर्ड में स्पेस एंड वेट, फोर्थ में स्मोक एंड पॉइजनस, एंड फिफ्थ में आउटडोर। ओके, अब है एक्सरसाइज सी, जो गलती से बी लिखा हुआ आया है बुक में, ये देखिए, तो यहाँ मैं सही कर रही हूँ उसको। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, यानी मैं आपको जो भी सेंटेंस बोलती हूँ अगर वो सही हो तो ट्रू, अगर वो रॉन्ग हो तो फॉल्स। व्हेन एयर मूव्स स्लोली इट इज़ कॉल्ड विंड, क्या जब एयर स्लोली मूव करती है तो उसको विंड बोलते हैं, तो नो, स्लोली मूव करती है उसको विंड नहीं बोलते, तो फर्स्ट है फॉल्स। नंबर टू, वी कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर अ फ्यू डेज, क्या हम बिना खाने के बिना पानी के कुछ डेज तक रह सकते हैं, तो फॉल्स, खाने के बिना तो रह सकते हैं फिर भी, लेकिन पानी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। इंडोर पॉल्यूशन कैन बी वेरी डेंजरस टू हेल्थ, इंडोर पॉल्यूशन हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजर हो सकता है, तो येस ट्रू। वी शुड प्लांट ट्रीज एज दे हेल्प टू कीप द एयर डर्टी, हमें ट्री लगाने चाहिए जिससे हमारी एयर जो है वो डर्टी हो जाए या फिर क्लीन हो जाए, क्लीन ना, तो इसमें डर्टी आया मतलब फॉल्स। फिर है नंबर फाइव, वी शुड नॉट कवर अवर माउथ एंड नोज व्हेन सॉरी व्हाइल स्नीजिंग, यानी जब भी हमें छींक आए खांसी आए तो हमें हमारे नोज को कवर नहीं करना चाहिए, उसको ढकना नहीं चाहिए, तो फॉल्स। तो फर्स्ट में है फॉल्स, सेकेंड भी फॉल्स, थर्ड में है ट्रू, फोर्थ इज फॉल्स एंड फिफ्थ इज फॉल्स, यानी फोर फॉल्स एंड थर्ड वाला ओनली ट्रू है, बाकी सारे के सारे फॉल्स है। तो ये सारी एक्सरसाइज जो मैंने आज आपको करवाई है ए बी एन सी, वो आपको लर्न भी करनी है एंड राइट भी करनी है अपनी बुक में, नोटबुक में नहीं, और बुक में भी आपको अपनी पेंसिल से करना है। थैंक यू।